उत्तर प्रदेश मेरठ के मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे रक्षा संपदा अधिकारी हरेंद्र सिंह ने आज मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा के साथ लाल कुर्ती क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ सैनिटेशन व इंजीनियरिंग विभाग की पूरी टीम भी थी। क्षेत्र के वार्ड 3 जामुन मोहल्ले पहुंचे सीईओ वे मनोनीत सदस्य से क्षेत्र की जनता ने गंदगी से निजात दिलाने की गुहार लगाई, क्योंकि वहां नाले का पानी बाहर निकलकर लोगों के घरों में घुस रहा है। सीईओ हरेंद्र सिंह व मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने लोगों से कहा कि उन्हीं की समस्या के हल के लिए ही ये निरीक्षण किया जा रहा है। प्रभारी सीईओ ने कहा कि नाले पर अतिक्रमण के कारण नाला सफाई में दिक्कत होती है, जिस कारण अब समस्या विकराल हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने चार्ज लिया है, अब वो क्षेत्र की समस्याओं को समझकर अपने विभाग के हेड्स के साथ उक्त विषय में वार्ता करके समस्या के समाधान हेतु व्यापक नीति निर्माण करेंगे। जी, काफ़ी शिकायतें हमारे माननीय जो नामित सदस्य हैं डॉक्टर सतीश शर्मा, इनके माध्यम से भी मुझे पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है कूड़े और नाले जो है चोक पड़े हैं, उनकी समस्या है। तो मैं अभी तो मैंने चार्ज एक दो दिन पहले लिया है, मैंने कहा इसे अपनी प्रत्यक्ष अपने आंखों से ही देख के इस स्थिति का आकलन करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हुआ। देख के लगा है कि ये वैसे तो ये बहुत सालों की समस्या है, ठीक है, और आप भी समझेंगे कि इसमें कोई चमत्कार तो संभव है नहीं, बट मैं पूरी अपने पूर्ण प्रयास करूँगा और अपने जो संबंधित स्टाफ है उन्हें निर्देश दूंगा इसके सब समस्या का समाधान निकालने के लिए। डॉक्टर सतीश शर्मा, नामित सदस्य छावनी परिषद मेरठ। मेरा सबसे पहला उद्देश्य इन जो 25 साल से नाले साफ नहीं हुए हैं उनकी सफाई हो, टूटी सड़कों का निर्माण हो, उनके गड्ढे भरे जाएं, और छोटे छोटे निर्माण जो हमारे लोग छत की रिपेयर है, फर्श की रिपेयर है, शौचालय बनवाना चाहते हैं, वो जो होने चाहिए, लेकिन अतिक्रमण नहीं, उसके मैं विरोधी हूँ।